Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Now we will solve question number 6 of exercise 5.3. इस question में आपको दे रखा है the first and the last term of AP are 17 and 350 respectively. Means जो 17 है, that is first term A. A is equals to 17 and the last term is 350. Last term है, means L is equals to 350. अब ये last term है, तो यहाँ से हम एक चीज और देख सकते हैं कि ये अगर इस AP में n terms हैं तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी? nth टर्म. मींस अगर आपके पास एपी में 3 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? थर्ड टर्म. अगर आपके पास एपी में 10 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 10th टर्म. और अगर ऐसे ही सिमिलर वे में अगर आपके पास n टर्म्स आ रही हैं तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगी दैट विल बी nth टर्म. एंड वी विल डिनोट nth टर्म बाय an. इट मींस an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 350. दैट फॉर आपका ये लिखा है कॉमन डिफरेंस इज 9. And you have to find how many terms are there and what is their sum. Means वहाँ पे कितने terms हैं? N terms हैं, N निकालने हैं और उनका sum कितना है? That is S N भी आपने find out करना है. तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? अब देखो आपके पास यहाँ पे था A 17. यहाँ से कुछ निकल सकता है? कुछ नहीं हो सकता. L 350. अगर आप L लिखते हो इसको तो वहाँ पे जो side effect आएगा इसका, that will be अगर आप L लिखते हो तो वहां से आपको एक सोचना पड़ेगा कि L को आप किसके साथ रिलेट कर सकते हो. तो L को रिलेट कर सकते हैं हम nth टर्म के साथ. तो अब इसको आप इसका फार्मूला लगाओगे और यहां से जो वैल्यू निकलेगी उसको यूज करोगे. तो D क्योंकि D को हम यूज नहीं कर सकते इसलिए हमने an को यूज किया. an का फार्मूला लिखा है a plus n minus 1 into d. ये आपको पता है, आपने 5.2 में यूज किया है फार्मूला. तो an की जगह पर an की वैल्यू कर दिए और a की जगह पे a की वैल्यू, n हमें पता ही नहीं है तो इसको सेव रखेंगे. d दे रखा है 9, वो भी फिल कर दिया. तो अब यहां से हम किसके लिए सॉल्व करेंगे? n के लिए सॉल्व करेंगे. यहां पर 350 ये 17 से जाकर माइनस हो गया, माइनस हो गया 333 आ गया, ये माइनस 9 से जाकर प्लस 9 हो गया, दोनों को प्लस किया ये आ गया. तो ये 9 जाकर डिवाइड होगा, डिवाइड करो तो n विल बी 38. अब आगे आपके पास आ गए कि इस एपी में 38 टर्म्स है. मीन्स ये जो लास्ट टर्म थी ये कौन सी टर्म होगी? अब ये 38th टर्म थी यहाँ पे. तो अब हमने क्या निकालना है? एस एन एस 38 निकालना है. देन एन वी हैव टू फाइंड एस 38. मीन्स जो 38 टर्म्स ये रखी हैं उनका सम निकालना है. तो हमने यहाँ पे क्या किया? एन को रिप्लेस कर दिया 38 के साथ, ए की वैल्यू 17 पुट कर दिया और एल की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे 350. तो यहाँ पे इस दोनों को प्लस किया है और इसको डिवाइड कर दिया है 19 के साथ, मल्टीप्लाई किया 6973 विल बी योर आंसर ऑफ सम ऑफ दिस 38 टर्म्स ऑफ दिस एपी.